नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई है। क्या यही कारण है इस सेशन के महत्वपूर्ण होने का? जी बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की बेइज्जती होती रहती है और पाकिस्तान के कर्म ही कुछ ऐसे हैं बेइज्जती कराने वाले, तो जो भी बेइज्जती है वो आपके सामने पूरी तरह से साझा कर दी जाएगी। हालांकि जो महत्वपूर्ण है सेशन, वो इसीलिए है, हम अपने भारत के अंदर एक शब्द पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम के नाम से। वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये धरा जो है, ये अर्थ जो है, यही हमारा पूरा घर है। इसके पूरे घर होने के साथ साथ अर्थ के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी के सभी हमारे भाई बहन हैं। तुर्की के अंदर फिलहाल आया हुआ है एक बहुत बड़ा भूकंप, जिसके बाद से तुर्की पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा, हालांकि भारत और तुर्की के संबंध कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद भी ऑपरेशन दोस्त नाम से एक ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाया जा रहा है और भारत के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में मदद एक भेजी जा रही है तुर्की को। आप आज के सेशन में ये जानकर गर्व महसूस करेंगे कि आपका देश जो है भारत पूरी दुनिया को किस प्रकार से ना सिर्फ बोलता है कि ये दुनिया हमारा घर है, बल्कि मानता भी है और करके भी दिखाता है। साथ ही साथ तुर्की का क्या मामला है उसकी थोड़ी सी अपडेट लेंगे और पाकिस्तान की क्या बेइज्जती हुई है। और साथ ही एक खबर और निकल कर आई है कि भूकंप से 10 फीट तक तुर्की जो है वो खिसक गया है। और साथ ही खबर आई है कि भारत की भी स्थिति जो है वो कुछ चेंज हो चुकी है जियोग्राफिकली अर्थ के ऊपर। पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब का बटन दबाकर औपचारिकताएं पूरी करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैप के माध्यम से हम देखते हैं यहाँ भारत के सब, जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ मेडिटेरियन सी से लगे हुए देश दिखाई देते हैं, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल। इस गोले के अंदर जितने भी देश हैं ये सारे के सारे फिलहाल भूकंप से प्रभावित हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा तो प्रभाव देखने को मिला है वो मिला है तुर्की और प्लस सीरिया, जो दो देश हैं उनके अंदर भूकंप का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला हुआ है। 6 फरवरी को एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड था उसका भूकंप का तीव्रता वाला भूकंप, सीरिया और तुर्की को हिट किया, जिससे पूरे के पूरे शहर यहां पर तबाह हो गए, हजारों की संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच में जो हम खबर सुनते हैं राहत और बचाव कार्यों में, ट्रेंडिंग इन इंडिया में आता है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको जानना भी चाहिए। अगर अपडेट की बात करें कि वर्तमान में क्या क्या खबरें हैं, तो लगभग 24,000 लोगों की मौत की खबरें हो चुकी हैं फरवरी 11, 2023 की, बिल्कुल अपडेटेड ये खबर आप पढ़ते हैं। तुर्की और सीरिया के अंदर लगभग 24,000 लोगों की मौत की संभावनाएं हैं, मतलब मौत हो चुकी हैं और आने वाले समय में ये मौत बढ़ने का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बात करें थोड़ी सी तो तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से अब तक 16,000 की बजाय जो हमने आंकड़ा देखा 24,000 का, वो हो चुका है, इतने लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच गई है, जो कि लगातार और बढ़ती ही जा रही है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, बेघर लोगों के लिए शेल्टर बनाए जा रहे हैं। अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, इनमें तबाही और शेल्टर के बनाए हुए फोटोज वगैरह जो हैं वो जारी किए गए हैं। उनकी अगर बात करें तो हम देखते हैं कि ये 26 जुलाई 2022 के दिन ये जो शहर है इसकी तस्वीर कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है, और 8 फरवरी 6 को भूकंप आया था, 8 की ये तस्वीर है। तो सेम शहर की, सेम जगह की जब हम तस्वीर देखते हैं तो ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये जो स्टेडियम हमें ऊपर दिखाई देता है, इस स्टेडियम में इमरजेंसी शेल्टर वगैरह बनाए गए हैं, ये तस्वीरें साझा की गई हैं। दूसरे शहर की अगर बात करें तो दूसरा शहर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था 22 दिसंबर 2022 के दिन, और उसके बाद भूकंप के बाद की अगर तस्वीरें देखें तो ये शहर भी पूरी तरह से खंडहर के अंदर तब्दील हो चुका है। इस प्रकार की विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं। जो तस्वीरें साझा की जा रही हैं राहत और बचाव टीमों के द्वारा, वो कुछ ना कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि उनको साझा ज़्यादा करना यहाँ पर कुछ मतलब नहीं बनता, मृतकों को एक साथ वहाँ पर दफनाया जा रहा है। खबर आती है कि सीरिया में और तुर्की में, दोनों में ही मारे गए लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें बनाई जा रही हैं। यहाँ मदद करने वाली व्हाइट हेलमेट्स की टीम ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मृत लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी एक वीडियो इनके द्वारा शेयर की गई है, हालांकि वीडियो साझा करना का कोई मतलब यहां पर नहीं बनता। अराउंड 23 मिलियन मे बी अफेक्टेड बाई अर्थक्विक इन तुर्की। तुर्की के अंदर जो भूकंप आया है उससे लगभग 23 मिलियन लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे, WHO ने ऐसा आंकड़ा दिया है। तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगान डिक्लेयर्स 3 मंथ स्टेट इमरजेंसी। 3 महीने की जो देश के अंदर आपातकाल है उसको इन्होंने कर दिया है घोषित, क्योंकि 3 महीने के अंदर, 3 महीने तक कुछ भी विकास कार्य वगैरह नहीं हो पाएंगे। थोड़ी सी जो मदद के पहुँचाने में तुर्की लेट हो चुका था उसको स्वीकार किया गया है एर्दोगान के द्वारा, जो आगे
राष्ट्रपति हैं और दुनिया जो है उसकी नाराजगी जो है दुनिया नहीं बल्कि तुर्की के लोगों के द्वारा नाराजगी दर्ज कराने पर इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ हम थोड़े से लेट हो गए मदद के लिए। बात की जाए तो मदद के लिए WHO और यूनाइटेड नेशंस समेत दुनिया भर के 70 से भी ज़्यादा देश आगे आए हैं। लोकल मीडिया के मुताबिक सीरिया में 3,00,000 लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है और तमाम लोगों को ये घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। मदद जो है दुनिया भर से की जा रही है, भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त जो है वो चलाया जाता है। अब जो है पूरा अपडेट हम ले चुके हैं यहाँ तक का कि तुर्की के अंदर भूकंप में क्या क्या हुआ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान के क्या कर्म रहे हैं आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खबर निकल कर आती है वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स में, अटर ह्यूमिलिएशन, घनघोर बेइज्जती, पाक पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ गेट्स फ्लैक आफ्टर टर्की रिवर्स हिज विजिट प्लीज। जब इन्होंने कहा था कि हम तुर्की को विजिट करना चाहते हैं उसके बाद तुर्की ने मना कर दिया कि आपको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो न्यूज़ के अंदर पूरी तरह से शहबाज शरीफ हीरो बनकर छा जाते हैं। अब ये हीरो बनकर छाए हैं या कॉमेडियन बनकर छाए हैं, जोकर बनकर छाए हैं, वो आप स्वयं तय कर सकते हैं। टर्की इंसल्ट्स पाकिस्तान, तुर्की ने जो है पाकिस्तान का इंसल्ट कर दिया, रिफ्यूजेस टू होस्ट पीएम शहबाज शरीफ, मना कर दिया कि हम जो है फिलहाल होस्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि शहबाज शरीफ के अंदर या फिर कहें पाकिस्तान की पूरी विदेश टीम है उसके अंदर अकल की थोड़ी कमी है कि ऐसी स्थिति में जहां पर तुर्की के अंदर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं तो आपको वहां जाने की क्या आवश्यकता है। आप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं और दूसरी जगह पर जाएंगे तो आपको पूरा जो सम्मान होता है, जो राजकीय सम्मान होता है, वो देना पड़ेगा। तुर्की ऐसी स्थिति में फिलहाल नहीं है कि ये सारी की सारी घटनाएँ कर सके आपके साथ, आपकी जो मेहमान नवाजी है वो कर सके, क्योंकि तुर्की खुद ही फिलहाल जूझ रहा है समस्याओं से। तो आपको जाने का वहाँ पर किसने ऐसी सलाह दे दी? शायद इनकी जो गवर्नमेंट है या फिर इनका जो कहें जो इनका शासन प्रणाली है उसके अंदर कुछ मूर्खतापूर्ण बातें लगातार होती रहती हैं। इंटरनेशनल लेवल इंसल्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पूरी तरह से बेइज्जती हो गई है। बात करते हैं जो खबर निकल कर आई 7 फरवरी को, 6 को आया था, 6 फरवरी को आया भूकंप, 7 फरवरी को पाकिस्तान से निकल कर खबर आई। जब इन्हें पता चला कि 70 देश जो है वो मदद भेज रहे हैं, कुछ देश आर्थिक मदद भेज रहे हैं, भारत जैसे देश जो हैं भारत के द्वारा तुरंत ही अपनी जो संबंध है तुर्की के साथ उनको भुलाते हुए, क्योंकि भारत और तुर्की के अगर हम संबंधों की बात करते हैं तो कोई ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तुर्की के अर्दोगान ने जब भी मुंह खोला है तो उन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा जहर ही उगला है। चाहे वो UN की बात करें, UN के अंदर जब भी कश्मीर मुद्दा उठता है तो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए हमेशा नजर आए हैं एर्दोगान हमेशा भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और हमेशा बयानबाजी की है। उसके बावजूद भारत जो है ये सारी चीज़ें भुलाने के बाद तुरंत जो है अपने जहाज़ों को, जो हमारे सबसे बड़े जहाज़ हैं ग्लोब मास्टर, उनके द्वारा मदद हमने पाकिस्तान को इसको तुर्की को भेज दी। इसके बीच में पाकिस्तान के जो PM हैं शहबाज शरीफ, उनको लगा कि हम जो है हमारा भाई है तुर्की, क्योंकि इन दोनों के दोस्ती जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक देखी जाती है, तो इन्होंने सोचा कि मैं खुद जाकर कुछ संवेदनाएँ व्यक्त करूँगा। खबर निकल कर आ जाती है पूरा पाकिस्तान की जो विदेश विभाग है उसकी तरफ से बाकायदा जारी कर दिए जाते हैं लेटर्स कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टू विजिट टर्की, कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ वो घूमने जा रहे हैं तुर्की, ऑफर सपोर्ट। अब ये सपोर्ट करने जा रहे थे, क्या सपोर्ट करेंगे भाई, तुम्हारी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह की स्थिति में है कि पूरी दुनिया से तुम भीख मांग रहे हो, फिलहाल मदद क्या कर दोगे। मरियम औरंगजेब जो यहाँ की मंत्री हैं इनके द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विल लीव फॉर अंकारा, तुर्की की राजधानी, वहाँ पर कल सुबह निकलेंगे, मतलब 7 तारीख को ये निकलने वाले थे। ही विल एक्सप्रेस हिज कंडोलेंसेज, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे तुर्की के लोगों के लिए, उनके प्रति जो इनकी संवेदनाएं हैं उसको व्यक्त करेंगे। ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, जो अगली बात निकल कर आई वो है कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है उसके लिए द APC मतलब ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पर एक होने वाली थी उसको कर दिया गया था पोस्टपोन्ड, ऐसी जानकारी निकल कर आई। पूरे ढोल नगाड़े पीटने के बाद इन्होंने पूरे ऐलान कर दिया, ऐलान के साथ कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं तुर्की के अंदर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने। पाकिस्तान गवर्नमेंट पोस्टपोन्डेड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मतलब APC की जो बात चल रही थी, तो जो APC होने वाली थी वो क्यों होने वाली थी, तो पेशावर के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ था उसके विषय में कुछ चर्चा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग इनके द्वारा बुलाई जा रही थी, जिसको इन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि तुर्की जा रहे थे शहबाज शरीफ, इसीलिए कैंसिल कर दी गई है मीटिंग। इसके बाद जो है देखते हैं कि तुर्की रिफ्यूजेज टू होस्ट पाकिस्तान, अब इनका दिल टूट गया,
दिल कैसे टूट गया कि जब इनके द्वारा तमाम खबरें पहुंचाई जा रही थी कि हम आ रहे हैं, तो इसी बीच में तुर्की ने कर दिया मना कि आप जो है यहाँ मत आइए। तुर्की ने कर दिया पूरी तरह से मना। तुर्की रिफ्यूजेज टू होस्ट पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ एज लीडरशिप बिजी इन अर्थक्वेक रिलीफ वर्क, क्योंकि जो लीडरशिप है तुर्की की वो व्यस्त है रिलीफ, जो भूकंप आया है उसके अंदर रिलीफ बचाव राहत बचाव कार्यों के चक्कर में। तुर्की के प्रति संवेदना दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवा ली है। तुर्की में भूकंप के कारण तबाही मची हुई है। दुनिया भर के देश तुर्की को राहत सामग्री और बचाव टीमें भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस आपदा को अवसर में भुनाने की कोशिश की पाकिस्तान ने। शहबाज शरीफ ने तुर्की के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अंकारा यात्रा का ऐलान कर दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जो देश इस समय प्राकृतिक विभीषिका को झेल रहा है वहाँ वीआईपी दौरे पर संसाधनों को नहीं झोंकना चाहिए। अगर इनकी लीडरशिप को इतनी अकल होती तो ये शायद इस प्रकार की हरकतें नहीं करते। पीएम शहबाज विजिट टू अंकारा पोस्टपोन कर दी गई इनकी विजिट। तो ये जो जाने वाले थे यहाँ पर, इन्होंने बोल दिया कि यहाँ मत आना। इसके बाद जो सोशल मीडिया पर मीम्स निकल कर आई उनके अंदर घनघोर बेइज्जती जो थी वो पाकिस्तान के लोग हैं उनके द्वारा खुद ही की गई। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, जो इनकी जो तुर्की का जो प्रशासन है वो बिजी है अर्थक्वेक रिलीफ में, तो इनको होस्ट फिलहाल ये नहीं कर सकता है, ऐसी बातें जो है बोली गई। इसके बाद जो निकल कर आई बातें ट्विटर के माध्यम से, द लास्ट थिंग टर्की वांट्स एट द टाइम लाइक दिस लुक आफ्टर द स्टेट गेस्ट, कि ऐसे बुरी समय पर तुर्की सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि वो स्टेट गेस्ट का स्वागत करे। प्लीज सेंड रिलीफ स्टाफ ओनली, खुद मत जाइए वहाँ, सिर्फ रिलीफ स्टाफ भेजिए। ऐसा अटर ह्यूमिलिएशन, घनघोर बेइज्जती फॉर इनसेंसिटिव रास्कल, ये रास्कल जो बोला गया है शहबाज शरीफ को कि बिल्कुल ही असंवेदनशील रास्कल प्राणी जो है ये है शहबाज शरीफ, बिल्कुल भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करा ली। शहबाज शरीफ बीन रिवर्फ्ड बाई टर्की टोल्ड नॉट टू टूर द कैलेमिटी स्टक नेशन, इन्हें बोल दिया गया है कि यहाँ मत आइए। इसके बाद अगली खबर पर अगर ध्यान दें, टर्की गवर्नमेंट्स इंस्ट्रक्ट शहबाज शरीफ नॉट टू कम टर्की एट दिस टाइम, तुर्की की सरकार ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है शहबाज शरीफ को कि यहाँ मत आइए। हैंस हिज ट्रिप टू टर्की फॉर बेगिंग इज कैंसल्ड, कि भीख मांगने का जो इनका ट्रिप था तुर्की का वो हो गया है कैंसिल। ये जो है सब बातें जो पाकिस्तान के ही जो लोग हैं जो इंटरनेट पर मौजूद हैं उनके द्वारा बोली जा रही हैं। अगले जो व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि चोटों को घूमने का बहुत शौक है, मतलब चोटा बोला जाता है इनको शहबाज शरीफ को और इनकी सरकार का, कि चोटों को घूमने का बहुत शौक है। सोच रहा होगा सब कंट्रीज फंड देने आएंगे, सब कुछ मुझे भी मिल जाएगा। अपने लोगों की जिंदगी अजाब में झोंक कर दूसरों से हमदर्दी करने जा रहा था। शहबाज शरीफ प्रोबेबली वॉन्टेड टू हैव गुड टर्किश मील इन अंकारा, कि शहबाज शरीफ चाहते होंगे कि अंकारा के अंदर एक अच्छी टर्किश मील यानी कि भोजन इन्हें मिले, लेकिन जो है फिलहाल मना कर दिया गया है। सर ही इज़ गोइंग टू क्लियर देयर रबल, कि जो जा रहे हैं शहबाज शरीफ इनके यहाँ जो मलबा फैला हुआ है तुर्की के अंदर उसको साफ करने जा रहे हैं। और बोला गया कि लीविंग हिज क्रिएटेड रबल बिहाइंड इन इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद में जो इनके द्वारा गंदगी फैलाई गई है उसको छोड़कर ये वहाँ जा रहे हैं। आर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वॉज मिसिंग टर्किश कबाब, कि लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टर्किश कबाब को मिस कर रहे थे इसीलिए जा रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें जो है इंटरनेट पर देखने को मिली। नो नीड टू कम, आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिजी इन क्विक रिलीफ, हम तो बिजी हैं। टर्की हैज आस्क्ड पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ फॉरेन मिनिस्टर, मीनवाइल पाकिस्तान जो है वो कह रहा है तुर्की से कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अब ये तो होना ही था, बिल्कुल इनसेंसिटिव बातें यदि बोली जाएंगी। अब दूसरी जो एक और यूजर के द्वारा जो ट्वीट किया गया, दिस डफर शहबाज शरीफ, मतलब पूरी तरह से घनघोर बेइज्जती ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश ने कर दी बल्कि लोगों के द्वारा भी इनको किस प्रकार से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है आप देख सकते हैं। दिस डफर शहबाज शरीफ डजंट रियलाइज ही वॉज सेटिंग हिमसेल्फ अप फॉर आ स्लैप इन हिज फेस फ्रॉम टर्की, मतलब कि वहाँ जाने के बाद थप्पड़ खाने जा रहा था ये व्यक्ति, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि खैर जो भी है, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मदद ये किस प्रकार की करने वाली थी, पाकिस्तान मदद किस प्रकार की करने वाला था। तो इनके द्वारा बोला गया था कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे, जो हमारे मंत्री हैं, मंत्री सरकार के अंदर कितने होते हैं, मोस्टली मैक्सिमम 50 मंत्री होंगे इनके यहाँ पर। भारत जैसे बड़े देश में जहाँ तमाम विभाग हैं मंत्रालय हैं वहाँ भी इतने मंत्री नहीं है, तो लगभग 50-60 मंत्रियों के करीब होंगे इनके। तो इन्होंने कहा था कि हम सारे के सारे मंत्री जो हैं मिलकर अपनी एक महीने की सैलरी जो है वो भेजेंगे टर्की के अंदर।
तुर्की में 1 महीने की सैलरी भेजेंगे। तो कितनी मदद? लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की इनके द्वारा मदद की जाती, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम रह जाता। अब ऐसी स्थिति में जो ये बोल रहे हैं कि हम मदद करने जा रहे हैं, तो इनकी खुद की अगर आप स्थिति देखें तो पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा आर्थिक संकट फिलहाल चल रहा है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स कंटिन्यू, कि जो इनका स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ इनका ऐसा है कि इनके यहाँ बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसके अंदर मेडिकल स्टाफ जो काम कर रहा है उनकी सैलरी में कटौती कर दी गई। जो नर्सेज बाढ़ प्रभावित एरिया में लोगों को मदद दे रही हैं उनकी सैलरी में कटौती कर दी गई। पाकिस्तान इन क्राइसिस, पाकिस्तान की क्राइसिस में 10% कट इन गवर्नमेंट सैलरीज, सरकारी अधिकारियों की जितनी भी सैलरीज हैं उनमें से 10% सैलरीज काट दी गई। 15% कट इन मिनिस्टर्स एक्सपेंडिचर्स, 15% तो इन्होंने अपने मंत्रियों के खर्चे में से सैलरी में से काट दिया। तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोच सकते हैं कि अपनी सरकार चलाना इन्हें भारी पड़ रहा है, ये क्या मदद करने जा सकते थे। ये तो बात हुई पूरी की पूरी पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की ज़्यादा बात करना कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन अब चर्चा करते हैं भारत की, जो कि आपको गौरवान्वित महसूस जरूर कराएगा। बात है ऑपरेशन दोस्त की, जो कि चलाया जा रहा है भारत के द्वारा तुर्की के अंदर मदद पहुंचाने के लिए। भारत ने लगभग 6 फ्लाइट भेजी हैं, और भेजी कौन सी हैं, हमारा जो ग्लोब मास्टर विमान है वो जा रहा है मदद पहुँचाने के लिए। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 6ठा विमान तुर्की भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, बचाव कर्मी जरूरी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट डॉग स्क्वाड के साथ तुर्की के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल टर्किश और हिंदी भाषा में ऑपरेशन दोस्त जो नाम रखा गया है इसका, दोस्त तो दोस्त के क्या मायने हैं आप उसको यहां समझ सकते हैं आप कि दोस्त शब्द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम दोस्त रखा गया है। मतलब कि जो दोस्त शब्द हम भारत में फ्रेंड के लिए यूज़ करते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, दोस्त आप कैसे हैं, तो तुर्की की जो अपनी लैंग्वेज है, तुर्की की जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, उसके अंदर भी फ्रेंड को दोस्त कहा जाता है। मतलब जो दोस्त हिंदी भाषा है और दोस्त फ्रेंड जो है वो तुर्की और हिंदी दोनों में ही दोस्त को ही कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है कॉमन रखा गया है, दोस्त इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। एग्जाम्पल ऑफ गुड फ्रेंड से, अब ये कौन बोलते हैं, जो तुर्की के राजदूत हैं, तुर्की के जो एम्बेसडर भारत के अंदर रहते हैं, इनके द्वारा जब इनसे पूछा गया न्यूज एजेंसीज के द्वारा कि आप इस मदद को किस प्रकार से देखते हैं, तो इनके द्वारा बोला गया एग्जांपल ऑफ गुड फ्रेंडशिप, कि ये एक बेहतरीन दोस्ती का उदाहरण है। टर्किश एम्बेसडर थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट आफ्टर द अर्थक्वेक, भूकंप आने के बाद भारत की तरफ से जो मदद भेजी गई है तुर्की को, उसके लिए इन्होंने भारत का तहे दिल से धन्यवाद किया है। आगे बात बढ़ाते हुए बात करते हैं, दोस्त इज़ अ कॉमन वर्ड, ये जो है फिरात सुनेल इनका नाम है, भारत के अंदर तुर्की के राजदूत हैं। इनके द्वारा दोस्त जो वर्ड है इसको ट्वीट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया गया कि दोस्त इज़ अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी, हिंदी और टर्किश लैंग्वेज के अंदर दोस्त वर्ड जो है वो कॉमन है। वी हैव अ टर्किश प्रोवर्ब, कि हमारे यहाँ पर एक कहावत भी चलती है तुर्की के अंदर, वो है दोस्त कारा गुंडे बेली ओलूर, ये जो है तुर्की भाषा है, इसका अगर ट्रांसलेशन अनुवाद अगर हम देखते हैं तो आप फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, की मुसीबत के समय ही सच्चा दोस्त काम आता है। इतनी दोस्ताना बातें जो है की गई। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या क्या भेजा, क्या क्या मदद की गई। माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट आया, फॉलोइंग द मंत्र ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये दुनिया ही हमारी घर है। अब जब दुनिया हमारा घर है तो दुनिया पर रहने वाले सभी जो लोग हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों, वो हमारे भाई बहन हैं। इंडिया ने जो है प्रूव कर दिया कि पूरी तरह से हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं। इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडिटरी विद द पीपल ऑफ टर्की, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जानकारी दी गई कि इस भीषण आपदा के समय पर भारत के जो लोग हैं वो तुर्की के लोगों के साथ मदद के लिए खड़े हुए हैं। इंडिया रसेज एड टू अर्थक्वेक हिट तुर्की, तुर्की के अंदर जो एड मदद पहुंचानी है वो भारत ने बहुत जल्दी ही पहुंचा दी। इंडिया प्रूव्स इट्स लीडरशिप इन थॉट वर्ड एंड डेड वर्ड एंड डीड, सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ऑफ एनडीआरएफ की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स पहुंची, एनडीआरएफ की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई। यहां आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो डॉग स्क्वाड हैं उनके साथ एनडीआरएफ की टीम, हमारी जो ग्लोब मास्टर विमान हैं उनके अंदर गाड़ियां लादी जा रही हैं, ट्रक लादे जा रहे हैं, तमाम आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनको लादने के बाद तुर्की पहुंचाया गया। अरिंदम बागची जो कि हमारे विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई। ग्लोब मास्टर विमान, इसके अंदर मौजूद में राहत सामग्री, एम्बुलेंसेज, यहां देख सकते हैं ये जो विमान है इसको तैयार किया जा रहा है, यहां पर राहत बचाव सामग्री, डॉग स्क्वाड वगैरह सारी की सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं तस्वीरों के माध्यम से। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार, और ना सिर्फ तैयार बल्कि अपना सामान ले जाकर यहां से ले जाया जा रहा है कि तुर्की के अंदर कुछ भी नहीं मौजूद होगा फिलहाल में, क्योंकि जो
भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं पूरी तरह से वो बर्बाद हो चुके हैं, तो वहाँ पर कुछ भी मिल पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं मदद वाले वो लेकर जाए जा रहे हैं भारत की तरफ से खुद ही। यहाँ देख सकते हैं ट्रकों को ग्लोब मास्टर के अंदर लादा जा रहा है, जिनकी आवश्यकता तुर्की के अंदर NDRF टीम को पड़ने वाली है। राहत बचाव सामग्री किस प्रकार से भरी हुई है, इनके द्वारा जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे लेकर जाए जा रहे हैं। इस प्रकार की तस्वीरें साझा होती हैं और ये तस्वीर निकल कर आई है जब भारत का विमान ग्लोब मास्टर तुर्की के अंदर पहुँच गया। मदद के लिए ये वीडियो साझा की गई इनके द्वारा, इसके अंदर से ट्रक वगैरह निकलने की वीडियो आप देख सकते हैं। मदद जो है पहुंचाई जा चुकी है, अरिंदम बागची ने और जानकारी दी, जो तमाम तस्वीरों के माध्यम से जो मदद पहुंचाई जाती है। हालांकि भारत जो है जब अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस आया था, अफगानिस्तान के अंदर लोगों के पास खाने के दाने नहीं थे, दाने दाने को मोहताज थे लोग, भोजन नहीं था, ऐसी स्थिति में भारत ने लोगों की भूख मिटाने के लिए, अफगानिस्तान की भूख मिटाने के लिए बड़ी मात्रा में गेहूँ चावल वगैरह भेजे थे, मदद मानवीय मदद भेजी थी कि वहाँ पर लोगों को भोजन मिल सके। वसुधैव कुटुंबकम का जो पाठ है वो इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है। हालांकि भारत के ही कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि भारत के ऊपर सवाल उठाते हैं, हमारी विदेश नीतियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। जैसे कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ही बयान दिया था कि क्या जरूरत है अफगानिस्तान के अंदर जिसके अंदर तालिबान का शासन चलता है उसको किसी प्रकार की मदद भेजने की। तो मदद जो भेजी जाती है, भारत के मंत्रियों को भी ये बात समझनी होगी कि जो मदद भेजी जाती है वो सिर्फ किसी सरकार या फिर किसी शासन के लिए ही नहीं भेजी जाती, बल्कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं लोगों के लिए मदद भेजी जाती है। क्योंकि लोग हमारे और आपके जैसे लोग ही वहाँ पर रहते हैं जिन्हें लड़ाई से झगड़े से किसी बात से मतलब नहीं होता, सिर्फ चाहिए दो वक्त की रोटी। तो ऐसे लोगों को जो खाना भोजन मिल सके, वो मदद मिल सके, उनका जीवन सुरक्षित रह सके, इसका प्रयास भारत के द्वारा लगातार किया जाता है और भारत लगातार अपने प्रयास के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर ऐसी मदद पहुँचाता रहता है। NDRF की टीम्स जो हैं ये आप डॉक्टर की टीम्स भेजती हैं, ये वो डॉक्टर हैं जो कि भारत की सेना को मेडिकल एड प्रोवाइड कराते हैं, भारत की सेना की सुरक्षा करते हैं ये डॉक्टर्स। इन डॉक्टर्स की टीम को जो है भेजा गया तुर्की के अंदर एकदम की राहत बचाव कार्य वहां आप कर सकें, क्योंकि तुर्की के अंदर किसी भी प्रकार का फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा हुआ है, डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब घायल लोग निकाले जाएंगे बिल्डिंगों के नीचे से, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यदि कोई 10 मंजिला इमारत या फिर 15 मंजिला इमारत भूकंप के बाद एकदम से गिर गई और इसके अंदर जो लोग अपने घरों में रह रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, वो सारे के सारे इसके साथ ही नीचे गिर गए होंगे, और कुछ लोग किस प्रकार से ये मंजर हो सकता है, एक 15 मंजिला इमारत जब धराशायी होकर ज़मीन पर आएगी तो लोग किस प्रकार से इसके अंदर दबे हुए होंगे और उनको निकालना कितना मुश्किल हो सकता है, ये शायद कल्पना कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप फिर भी इस बात को कल्पना करके देखिए कि कितना बड़ा कार्य ये भारत के द्वारा किया जा रहा है, भारत के जो प्रयास हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। द फोर्थ जो जहाज हैं उनके द्वारा भारत की तरफ से गाड़ियां जो गई थी, डॉक्टर्स की टीम गई थी और अपना जो हॉस्पिटल बनाने का सामान लेकर गए थे, पूरी तरह से एक ग्राउंड हॉस्पिटल जो है बना दिया गया तुर्की के अंदर जाकर। वहां तुर्की की सरकार से किसी प्रकार की मदद नहीं मांगी गई है, सारा का सारा जो इक्विपमेंट है वो भारत से ही भेजा गया है विमानों के अंदर भरकर। डॉक्टर भी भारत के गए हैं, NDRF की बचाव टीम भारत के द्वारा भेजी गई है कि जब NDRF की टीम जो है वो घायलों को बाहर निकालेगी तो उनको तुरंत उपचार की आवश्यकता होगी, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होगी, तो डॉक्टर्स की जो टीम है वो तुरंत ही उनको जो है उपचार प्रोवाइड करा सके, इसीलिए ये टीम्स भेजी गई हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू तुर्की, तुर्कियों को सेल्फ कंटेन्ड सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स, मतलब खुद से सक्षम पूरी तरह से जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं उनको भेजा गया है। इक्विपमेंट भेजे गए हैं साथ में कि वहाँ पर यदि आपको किसी ड्रिल मशीन की आवश्यकता होती है या फिर किसी कटर की आवश्यकता होती है या किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप कहीं देखते ना रह जाएं, आप वहाँ पर जाकर तुरंत ही बचाव राहत कार्य शुरू कर सकें, इसीलिए सारे इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं। डॉग स्क्वाड्स भेजे गए हैं जो कि मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को पहचान कर सके, बता सके कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ है। डॉग्स जो है बहुत मदद करते हैं, इसीलिए डॉग स्क्वाड्स जो है वो बनाई हुई हैं इंडिया ने। 4 जो है 4 C-17 टोटल जो है 6 पहुँच चुके हैं अब तक। 99 मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो 99 डॉक्टर हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो पहुंचाए गए हैं। मेडिकल इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, व्हीकल्स, एम्बुलेंसेज, जनरेटर, सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेडिकल की यहां पर पहुंचाई गई हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा तस्वीरें साझा की गई कि NDRF की टीम जो है किस प्रकार से वहां पहुंचते ही भारत की शान बढ़ाते हुए वहां के लोगों की मदद कर रही है। आप देख सकते हैं NDRF की टीम भारत को किस प्रकार से वहां पर रिप्रेजेंट करती है। डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो
एक फ़ोटो साझा किया गया, वो किस प्रकार से एक हॉस्पिटल का डेवलपमेंट कर दिया गया भारत के द्वारा वहाँ पहुँचते ही। इस प्रकार के जो इक्विपमेंट है वो सारे के सारे भारत से ही लेकर गए थे और वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना दिया गया तुरंत कि एनडीआरएफ की टीम जो है घायलों को निकालेगी और इस हॉस्पिटल के अंदर उन लोगों को इलाज मुहैया कराया जा सकेगा। फिर से आप देखिए, ये हैं फिरहाद सुनील जो कि तुर्की के राजदूत हैं भारत के अंदर, उनके द्वारा खुद तस्वीर साझा की गई ऑपरेशन दोस्त की। ऑपरेशन दोस्त की तस्वीर इनके द्वारा जो साझा की गई उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है किस प्रकार से जमीनों के अंदर घुसकर ड्रिल करने के बाद यहां जवान को आप देखिए किस प्रकार से ये अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोग अंदर घुस रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं लोगों को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये जो भीषण आपदा है इसकी कल्पना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इन तस्वीरों के माध्यम से शायद आप कितनी बड़ी आपदा है इसकी संवेदना को समझ सकते हैं। असिस्टेंट के तौर पर ना सिर्फ तुर्की में बल्कि बात आती है सीरिया की, क्योंकि मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि अब तक जब भूकंप तुर्की और सीरिया दोनों के अंदर आया है तो सीरिया के अंदर मदद क्यों नहीं भेजी गई। तो सीरिया के अंदर भी मदद भेजी गई है। किस प्रकार से भेजी गई है? तो सीरिया के अंदर हमने भेजे हैं 6 टन रिलीफ मटेरियल, हमने सीरिया को भी भेज दिया है, इंक्लूडिंग 3 ट्रक लोड्स ऑफ जनरल एंड प्रोटेक्टिव गियर, मतलब 3 ट्रक भर के सामान भेजा गया है। मशीन्स भेजी गई हैं, सिरिंजेस भेजी गई हैं, एसेंशियल मेडिसिन भेजी गई हैं, डॉक्टर्स वगैरह यहाँ भी भेजे गए हैं। मतलब दोनों देशों के अंदर भारत की बात जो है वो चल रही है किस प्रकार से भारत ने इन देशों की मदद की थी। अब यहाँ तक हमारी बात आई थी ऑपरेशन दोस्त की। अब जो हमारा अगला फेज है इस वीडियो का उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो है जियोलॉजिकल की। ज्योग्राफी के हिसाब से जो बताया जा रहा है कि तुर्की जो है वो 10 फीट खिसक चुका है अपने स्थान से। क्या है मामला, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है स्टडी की गई है साइंस के द्वारा। तुर्की में आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप ने तुर्की की जमीन को 10 फीट यानी करीब 3 मीटर खिसका दिया है। ये दावा किया गया है इटली के भूकंप विज्ञानी डॉक्टर कार्लो डोग्लियानी ने। इससे पहले 2011 में जापान और 2022 में भारत के भी खिसकने की रिपोर्ट सामने आई थी। भारत जो है वो भी लगातार खिसक रहा है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। भूकंप की वजह से कैसे खिसक गया है तुर्की? हालांकि एक सेशन जो हमने पिछला वाला क्लियर कवर किया था उसके अंदर बताया गया था कि भूकंप किस प्रकार से आते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर तैर रही हैं, अर्थ के जो हमने लेयर्स देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके ऊपर उसके नीचे कोर होता है सबसे बीच में। तो जो क्रस्ट वाला सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है अर्थ का, जिसके ऊपर हम रहते हैं, चलते हैं, सब काम करते हैं, तो उसके नीचे जो है पूरी तरह से लिक्विड तरल स्टेट के अंदर होता है हमारा मेंटल। तो मेंटल के अंदर किसी प्रकार की अगर हलचल होती है या फिर वहाँ जो मैग्मा इकट्ठा हुआ होता है, मैग्मा जो है किसी प्रकार से उबाल मारता है तो ऊपर क्रस्ट जो है वो हिल जाता है। और क्रस्ट बना हुआ है तमाम तरह की टेक्टोनिक प्लेट से। टेक्टोनिक प्लेट जो है एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, कभी कभी एक दूसरे से दूर हटती हैं, कभी कभी एक दूसरे के पास आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये हलचल होती है तभी जो है बड़े विनाशकारी भूकंप आते हैं। यही स्थिति थी तुर्की की। तो भूकंप की वजह से तुर्की खिसक कैसे गया? तो ये टेक्टोनिक प्लेट जो हम देखते हैं तमाम, ये खिसक जाती हैं। यही वजह है तुर्की के खिसक जाने की। तुर्की की जमीन खिसकने की वजह समझने के लिए इसकी लोकेशन को समझना होगा। इसकी लोकेशन कैसी है कि जो 3-4 प्लेट जो है टेक्टोनिक प्लेट जो है उनके जो जंक्शन है वहां पर बसा हुआ है तुर्की। इसी वजह से बड़े भूकंप प्रोन क्षेत्र के अंदर तुर्की आता है। जिस प्रकार से हमारा हिमालयन क्षेत्र भूकंप प्रोन क्षेत्र के अंदर आता है, उसी प्रकार से तुर्की का जो एरिया है जहां भूकंप आया है 7.8 रिएक्टर स्केल का, उसके अंदर ये जो बात है तो इसकी जो लोकेशन है वो इसी प्रकार की है। दुनिया बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। इन प्लेट्स के नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकराती हैं, घर्षण करती हैं। कभी कभी अगर एक प्लेट दूसरी से टकराती है तो ऐसी स्थिति में एक प्लेट, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ थोड़ा एग्जांपल समझें कि दो प्लेट ये आपस में लगी हुई हैं, 3 प्लेट यहाँ मान लेते हैं, तो यदि एक प्लेट ये वाली बीच वाली जो प्लेट है ये यदि इस वाली प्लेट से टकराती है अपने राइट वाली प्लेट से, अगर ये इधर जाएगी तो यहाँ पीछे से भी तो ये इधर को आएगी। तो होना इसका असर ये होगा कि एक तरफ तो ये टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ भूकंप ला सकती है, और दूसरी तरफ ये वाला जो एरिया है तीसरी प्लेट से इस वाली से ये अलग होगी क्योंकि ये आगे खिसकेगी। तो दोनों क्षेत्रों में भूकंप के आने की संभावना है। तो इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ एक जगह ना पड़कर दो जगह इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो जो प्लेट्स हैं आपस में रगड़ खा सकती हैं, टकरा सकती हैं, प्लेट जो हैं एक दूसरे से अलग भी जा सकती हैं, अलग जाने के बाद ये निर्माण कार्य और विनाश कार्य करती हैं, एक दूसरे के पास आ सकती हैं या फिर एक दूसरे से रगड़ खा सकती हैं। ये जो घटनाएं हैं इनके द्वारा की जा सकती हैं, ऊपर नीचे भी ये एक दूसरे से रगड़ती हैं। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसा हुआ है। ये प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट के बीच में फंसी हुई है। किस प्रकार से ये प्लेट फंसी हुई है तो यहाँ देखें, ये है एनाटोलियन प्लेट जिसके ऊपर
जो तुर्की वाला एरिया है वो ज़्यादातर फंसा हुआ है, और भूकंप का जो एपिसेंटर था वो यहाँ पर हमने देखने को मिला। कि जो प्लेट्स मिलती हैं, एक तो हो गई एनाटोलियन प्लेट और दूसरी हो गई अरेबियन प्लेट और तीसरी हो गई ये नीचे अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तमाम प्लेट का जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। इतनी बड़ी बड़ी चार प्लेट यदि कुछ भी हरकत करती हैं तो भूकंप यहाँ पर आना स्वाभाविक है। तो तुर्की के अंदर जो विनाशकारी भूकंप आते हैं उनका कारण तो यही है। तो जो एनाटोलियन प्लेट है वो यहाँ देखने को मिलती है, अरेबियन प्लेट इधर देखने को मिलती है। तो इसी की बात जो है पीछे हम कर रहे हैं कि तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसा है। ये प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट के बीच में फंसी हुई है। जब अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट शिफ्ट होती हैं तो तुर्की फंस जाता है, इससे धरती के अंदर से ऊर्जा निकलती है और भूकंप आते हैं। तुर्की में जो भूकंप था नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन पर आया था। ये जो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन है इसके ऊपर जो है भूकंप देखने को मिला था, यही कारण है कि यहाँ भूकंप आते हैं। इटली के सीस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्लो डोग्नियाल के मुताबिक एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट और अरेबियन प्लेट एक दूसरे से 225 किलोमीटर दूर खिसक गई हैं। इसके चलते तुर्की अपना भौगोलिक जगह से 10 फीट खिसक गया है। इनके द्वारा और बताया गया, टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए इस बदलाव के चलते तुर्की सीरिया की तुलना में 5 से 6 मीटर यानी लगभग 20 फीट और अंदर धंस गया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये शुरुआती डेटा से मिली जानकारी है, आने वाले दिनों में सैटेलाइट इमेज से सटीक जानकारी मिल सकेगी। ये बहुत बड़ी बात एक बोली गई है इनके द्वारा कि तुर्की यदि धंस गया होगा तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। नदियाँ जो हैं वो अपना रास्ता बदल लेंगी पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का ढाल है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। जो पहले कहीं और नदियाँ बहती थीं वो अब अपना रास्ता बदलने का प्रयास करेंगी। जो जल के स्रोत होते हैं नीचे पृथ्वी के, उनके टूटने की संभावनाएं हैं। जो पाइपलाइंस बिछी हुई होती हैं, पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं तमाम ऑयल और गैस वाली, वो पूरी तरह से टूटने की संभावनाएं हैं। तो एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिकल लॉस है वो देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इतना शक्तिशाली भूकंप आने के बाद प्लेट का शिफ्ट होना स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि भूकंप की तीव्रता और टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने के बीच सीधा संबंध होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अटपटा लगे। उन्होंने बताया कि 6.5 से 6.9 तीव्रता वाले भूकंप आने पर टेक्टोनिक प्लेट 1 मीटर तक खिसक सकती हैं। अब ये जो भूकंप आया है ये आया है 7.8 स्केल वाला, यहाँ जो है 6.5 से 6.9 की बात हो रही है। वहीं अब तक के ज्ञात सबसे बड़े भूकंप आने पर यह 10 से 15 मीटर तक खिसक सकती हैं। अब तक का दुनिया में जो सबसे बड़ा भूकंप आया है उसमें इतनी ही ये खिसकी हैं। तुर्की के 10 फीट खिसकने की कीमत क्या होगी? तो अगर तुर्की के आसपास की टेक्टोनिक प्लेट्स में 3 से 6 मीटर का हॉरिजॉन्टल खिसकाव आता है तो यह स्वाभाविक है। वजह है तुर्की का तीव्र भूकंप वाले जोन के अंदर होना। टेक्टोनिक प्लेट्स का इस तरह हॉरिजॉन्टल खिसकाव सड़कों, इमारतों, बोरिंग पानी या पेट्रोल पाइप को तोड़ सकता है, साथ ही नदियों की दिशा बदल सकता है। बात बताई गई कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है उसकी वजह से 7 या 8 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका होती है, जैसा कि तुर्की में देखने को मिला था। कुछ इस प्रकार से जो स्ट्राइक फ्लिप फॉल्ट होता है, दोनों रगड़ खा जाती हैं एक प्लेट्स, तब ये भूकंप आता है। यह वह जगह है जहाँ पर धरती के दो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल तरीके से स्लिप करते हैं, मतलब ऊपर नीचे ये शिफ्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से ये रगड़ खा रहे हैं। सोमवार को जो भूकंप आया था वो इसी फॉल्ट के जो स्लिप हुआ था इसी वजह से आया था। दो ब्लॉक जो थे, जो दो प्लेट्स थी, वो आपस में टकरा गई थी। भारत भी यूरोप की तरह खिसक रहा है। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिकों ने धरती पर मौजूद सभी टेक्टोनिक प्लेटों का एक नया नक्शा तैयार किया था। इसमें बताया गया कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच माइक्रो प्लेट को नक्शे में शामिल किया गया है। साथ ही कहा गया है कि भारत यूरोप की तरफ खिसक रहा है। इससे अंदेशा जताया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन दो प्लेटों में टकराव हिमालय सहित उत्तरी हिस्सों में भीषण भूकंप आ सकता है। अब ये जो बात है, ये जानकारी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि हिमालयन क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में भारत को भूकंप देखने को मिल सकता है। तो हिमालयी क्षेत्र में जो हमारे दोस्त रहते हैं वो थोड़ा सा सावधानी बरतें, सतर्कता से रहने की उन्हें फिलहाल आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में डिपार्टमेंट ऑफ ये इनके द्वारा ये नक्शा जो है तैयार किया गया है। हमारा नक्शा पिछले 20 लाख सालों में धरती पर आए 90% भूकंपों और 80% ज्वालामुखी विस्फोटों की पूरी कहानी बताता है। वहीं वर्तमान मॉडल सिर्फ 65% भूकंपों की जानकारी देता है। मतलब जो नया मैप इनके द्वारा जारी किया गया है, इनके द्वारा दावा किया गया है कि वो कहीं अधिक सटीक है। डॉक्टर डेरिक ने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री जोन धरती के क्रस्ट का 16% हिस्सा कवर करती हैं, जबकि महाद्वीप का 27% हिस्सा। हमने नई स्टडी
से तीन नए जियोलॉजिकल मॉडल्स बनाए हैं, पहला प्लेट मॉडल, दूसरा प्रोविंस मॉडल और तीसरा अरोगोनी मॉडल। ये सारा का सारा जो मॉडल इनके द्वारा बनाए गए हैं, जो पूरी पृथ्वी आप देखते हैं इसको टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर विभाजित जो इनके द्वारा फिर से किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन के प्लेट ऊपर हमें यहाँ दिखाई देती है इंडियन प्लेट, इसके बीच में जो माइक्रो प्लेट इनके द्वारा नई ऐड की गई है। तो जो खिसक रहा है भारत की जो प्लेट खिसकती है ऊपर को, तो हिमालयी क्षेत्र के अंदर परिवर्तन होने को यहाँ हमें देख सकते हैं, यही जानकारी इनके द्वारा दी गई है। ये जो नक्शा है आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, हालांकि जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं इस नक्शे के वो किसी अन्य सेशन में हम कवर करने की आपके सामने जरूर प्रयास करेंगे। अब आगे खबर आती है तो टर्कीज़ लायरा हिट्स रिकॉर्ड। लायरा जो है क्या है यहाँ का, LIRA यहाँ की जो है वो मुद्रा है लायरा। तो जो नुकसान है तुर्की को इससे क्या हुआ है कि अब तक के अपने न्यूनतम स्तर पर इनका जो लायरा है वो पहुँच चुका है, यहाँ की जो मुद्रा है शेयर मार्केट पूरी तरह क्रैश हो चुका है, बर्बादी की कार जो है वो शुरू हो चुकी है। भूकंप से करीब 8,000 करोड़ का नुकसान होगा, तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों को हिला देने वाले घातक भूकंप से करीब $1 बिलियन करीब 8.2 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जो हालांकि जो नुकसान होगा क्या इसको तुर्की कवर कर सकता है, तो इस तुर्की जो है वो कवर कर लेगा, क्योंकि तुर्की के अंदर जो नियम है वो है इंश्योरेंस वाला कि आपको इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी कराना होता है हर व्यक्ति का। तो लगभग बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है वो इंश्योर्ड हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है उनसे पैसा मिल जाएगा, तो नुकसान को ये रिकवर कर सकते हैं। भूकंप से 5 जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकते हैं कि भूकंप से अर्थव्यवस्था किस हद तक प्रभावित हो सकती है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो बिल्डिंग और दूसरे स्ट्रक्चर को डैमेज होने से भारी नुकसान होता है, फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन लॉस से सामान एक्सपोर्ट में देरी होती है, पावर सप्लाई डिसरप्शन होता है, लाइफलाइन सर्विस जो है वो करना मुश्किल हो जाता है, रेवेन्यू घटेगा और पब्लिक सेक्टर में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर दोबारा से इनको पुनर्निर्माण तुर्की का करना होगा, तो जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं इनके वो बढ़ जाएंगे, रेवेन्यूज इनके घट जाएंगे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग के काम हैं वो सारे के सारे अटक जाएंगे, जो काम हैं वैसे वाले जिनसे कि रेवेन्यू जनरेट होता है वो अटक जाएंगे और इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। चोट, मृत्यु या नौकरी जाने से घरेलू आय का नुकसान होता है, यदि कमाने वाला कोई व्यक्ति मर जाता है किसी दुर्घटना के अंदर तो उससे जो है नुकसान होता है, पर कैपिटल इनकम वगैरह के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये था साथियों पूरी तरह से जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई इसको सेशन को, हालांकि पाकिस्तान की बेइज्जती से संबंधित ये सेशन नहीं था, बल्कि हमारे बीच में जो संवेदनाएं होनी चाहिए एक मानव त्रासदी के अंदर किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं और हम किस प्रकार से इन घटनाओं से सीख लेकर अपने देश के अंदर या फिर कहें कि अपने जीवन के अंदर सुधार कर सकते हैं, इसी पर ज्यादा फोकस करता था। उम्मीद है आपको हमारा सेशन आज का पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।